बेचा जा रहा है। हे यू व्हाट्सएप पीपल, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। हम आ चुके हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी के साथ। हालांकि मेरी और आपकी मुलाकात काफ़ी समय बाद हो रही है, उसकी एक वजह ये भी है कि आप सब जानते हैं नवंबर का महीना चल रहा था, नवंबर का महीना यानी सीजन का महीना, और इस महीने में टिकट की इतनी ज़्यादा मारा मारी रहती है ना कि पूछे मत, मतलब टिकट का मिलना मुश्किल रहता है। आज से हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल ट्रेन में, जिसकी डिमांड मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा दिन से थी। तो हम लोग जिस ट्रेन में ट्रैवल करने जा रहे हैं उसका ट्रेन नंबर है 12859 मुंबई हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना सुबह मुंबई से 6 बजे छूटती है और अगले दिन 1963 यानी 1963 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हावड़ा जंक्शन दोपहर 12:30 पर पहुंचाती है। तो मुंबई से हावड़ा 1963 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ट्रेन कुल समय 30 घंटे 30 मिनट का लेती है विद द एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड 130 है कुछ। तो इस ट्रेन को हम लोग बोर्ड करने जा रहे हैं मुंबई के वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रेलवे स्टेशन में से एक मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में से। स्टेशन कोड है CSMT मुंबई सेंट्रल रेलवे जोन के मुंबई CR डिवीजन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यहां पे कुल 18 प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर से 7 प्लेटफॉर्म मुंबई लोकल ट्रेन के लिए है और बाकी के बचे 11 प्लेटफॉर्म मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। पहले इस स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, फिर उसके बाद 1996 में विक्टोरिया टर्मिनस से नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल नाम रख दिया गया। स्टेशन को ओपन किया गया इन द ईयर 1888 में और इस स्टेशन को मुंबई सेंट्रल रेलवे जोन के मुंबई CR डिवीजन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। सो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के अंदर। स्टेशन के अंदर आते ही यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 18 प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर से 7 मुंबई सबर्बन लोकल्स के लिए, ठीक है, बचे प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के लिए। आप सफाई देख रहे हैं, टाइम टू टाइम यहाँ पे होते रहता है, तो भाई मुंबई के प्लेटफॉर्म की बात ही अलग है। अभी इन्फॉर्मेशन मिला कि ट्रेन हमारी CSMT में प्लेटफॉर्म नंबर पे आने वाली है, तो चलते 18 की तरफ, फिर मिलते हैं डाइज आपको डायरेक्ट ट्रेन आने के बाद। तो गाइज ये रहा हमारा कोच S1, आज की जर्नी LHB कोच में होने वाली है, तो S1 कोच नंबर है। तो अभी गेट खुला नहीं है, गेट खुलने के बाद चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। ये रहा कोच, कोच में अभी लाइट शार्ट हुआ नहीं है। सो ये रहा गाइज 56 साइड अपर कंपार्टमेंट की इंटीरियर की बात करें तो देख सकते हैं सामने भी ट्रेनों जैसा मिरर है, 2 चार्जिंग सॉकेट है और यहाँ वाइड विंडो। आज की जो जर्नी है ना वो LHB कोच में होने वाली है हमारी। तो इधर की बात करें तो यहाँ पे एक ही चार्जिंग सॉकेट दिया गया, ऊपर अवेलेबल नहीं है चार्जिंग सॉकेट। अभी तक की जर्नी में ना सिर्फ महानगरी एक्सप्रेस में हमें ऊपर चार्जिंग सॉकेट दिया है और कोई भी ट्रेन में मुझे दिखी नहीं है चार्जिंग सॉकेट ऊपर। बात और आपको बतानी थी, तो इस ट्रेन से हम नगर जंक्शन तक ही ट्रैवल करने वाले, क्योंकि उसके बाद से हमारी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इसे टाटा नगर जंक्शन तक ही कवर कर पाऊंगा। तो लगभग 26 घंटे की जर्नी हमारी इस ट्रेन से होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं हावड़ा जंक्शन का भी और कवर करके आपको दिखाएंगे। उसके जस्ट पीछे जर्नल बोगी है और जर्नल क्लास के ठीक बाद SLR कोच है। सो पीछे से लगभग तीसरा डिब्बा है हमारा कोच, हिल नहीं देना। तो आपको ध्यान देना है कि इस रेल नीर के 15 रुपये ही देना है। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 मिनट डिले के साथ CSMT के प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे से डिपार्ट हो चुकी है। तो भाई देख लीजिए ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। मोस्टली ज़्यादातर पैसेंजर इस ट्रेन में दादर या तो कल्याण से बोर्ड करेंगे, क्योंकि ट्रेन में देख सकते हैं अभी भी बहुत ही सीटें खाली हैं। Thank you.
वी हैव रीच अवर ट्रेन फर्स्ट हॉल दादर, जिसका स्टेशन कोड है DR और यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। बात करूँ स्टेशन की तो इसे ओपन किया गया है इन द ईयर 1868 में। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे कुल 18 प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर से 8 प्लेटफॉर्म सेंट्रल लाइन के लिए और 7 प्लेटफॉर्म वेस्टर्न लाइन। सो 54 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम आ चुके हैं इस ट्रेन का सेकंड हॉल्ट कल्याण जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KYN और यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। सो बात करें स्टेशन की, ये स्टेशन महाराष्ट्र स्टेट में आता है और इंडिया के टॉप 10 बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। कल्याण जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जत होते हुए चेन्नई को चली गई है। सो गाइस चलिए चलते ट्रेन के अंदर, यहाँ पे भी इस ट्रेन का 3 ही मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए ट्रेन के अंदर दिखाते हैं आपको इस स्टेशन का डिपार्चर। सो आप पीछे देख पा रहे होंगे काफी पैसेंजर यहाँ से बोर्ड किए हैं। कल्याण से काफी ज्यादा पैसेंजर यहाँ पे बोर्ड किए हैं। हाँ मिस्टी चाहिए, मैंगो जूस मैंगो मुझे हाँ जी A few moments later. तो 445 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम आ चुके हैं भुसावल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BSL और बता दें कि ट्रेन का रूट यहां से डाइवर्ट हो जाने वाला है नागपुर हावड़ा की तरफ। तो ये स्टेशन अच्छे से कवर नहीं कर पाया, उसका एक वजह ये है कि नींद लग गई थी और नींद खुली तो ट्रेन 5 मिनट से भुसावल जंक्शन पर पहले ही खड़ी हुई थी। भुसावल जंक्शन के बाद ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो जाएगा नागपुर।
तो भुसावल जंक्शन से कुछ ही किलोमीटर दूर हम जहाँ पहुँचे हैं मलकापुर, जिसका स्टेशन कोड है MKU। और यहाँ पे इस ट्रेन का एक मिनट का हॉल्ट है। तो बात करें स्टेशन की, तो इसे ओपन किया गया इन द ईयर 1857 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया इन द ईयर 1889 से 90 के बीच। स्टेशन है, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म है। साथ ही ये स्टेशन सेंट्रल रेलवे जोन के भुसावल डिवीजन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। तो भाई मैं आपसे सीधा मिलता हूँ अकोला जंक्शन पर, तब तक आप देख लीजिए यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर। पानी बोतल, पानी बोले क्या खत्म हो गया। सो तो 584 यानी 584 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम आ चुके हैं महाराष्ट्र के अकोला जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है AK। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। बता दूं गीतांजलि एक्सप्रेस 1 घंटा 8 मिनट डिले चल रही है अपने निर्धारित समय से। और रही बात इस स्टेशन की, तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1867 में, साथ ही इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया 1989 से 90 के बीच। और ये स्टेशन मुंबई CR जोन के भुसावल रेलवे जोन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। सो तो अकोला के बाद सीधा हम लोग आपसे मिलते हैं नागपुर जंक्शन में, क्योंकि और भी सभी मेन मेन स्टेशन मुझे कवर करना है। आप लोग कहाँ तक जर्नी कर रहे हो? हाँ, खाने के टाइम तो मैं बता दूँ, हमारे व्यूवर जानते होंगे खाने में क्या लाया है, तो मैं बता दूँ, वही जो नहीं जानते उनके लिए बता दे, वही हर बार की तरह परोठा और आलू लाया है। मैं घर के खाने का रिव्यू करता नहीं, लेकिन एक बार गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये परोठा है इसके अंदर और ये आलू। सो कर लेते हैं खाना, खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा खाना खाने के। सो तो ट्रेन में साफ़ सफाई करने के बाद पैसेंजरों से बख्शीस मांगा जा रहा है। हालांकि कोई ये जबरदस्ती नहीं, आपकी मर्जी, आपको जितना देना है आप उतना दे सकते हो। अमूल कूल है क्या? अमूल कूल एक अमूल कूल दो ना, एक अमूल कूल। कितने का है? 30 रुपये। 30 रुपीस। हेलो, देख लीजिए पैसा एक बार, बराबर है ना? हाँ बराबर। हमने इस ट्रेन के पेंट्री कार से कन्हैया केसर फ्लेवर मिल्क अमूल कूल लिया है, जो कि हमको इसके प्राइस के हिसाब से 30 रुपीस का ही पड़ा है। सो तो इसके बिना ना जर्नी अधूरी है। वो अपर बर्थ ज़्यादा चौड़ा है कम्पेयर टू दिस साइड अपर बर्थ। ट्रैवल या जर्नी करते समय अगर आप ये प्लास्टिक बॉटल की यूज़ करते हैं ना, तो इसे यूज होने वाला इसके जो ऊपर के टैप्स होते हैं ना, वो इसके अंदर डाल दीजिए, इससे ये रीयूज नहीं हो पाएगा। एक्सप्रेस के वॉशरूम और क्लीनिंग की बात करें तो सबसे पहले वही हर बार की तरह सामने मिरर, ठीक एवरेज बोल सकते हैं। यहाँ पे पानी आ रहा है, फूल है, बेसिन साफ नहीं है उतना तो भी ठीक है। नीचे डस्टबिन, यहाँ पे डस्टबिन है, यहाँ पे स्टिंग टीशर्ट नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग हैं इंडियन स्टाइल वॉशरूम में, गीतांजलि एक्सप्रेस के इंडियन स्टाइल वॉशरूम में। और वॉशरूम की कंडीशन आप लोग खुद देख सकते हैं, मिरर ठीक है, थोड़ा क्लीन है, नीचे टैप है, पानी आ रहा है। और जिस हिसाब से हर ट्रेन में गुटखा खा के थूका जाता है बेसिन पे, उस समय तो क्लीन ही है। और नीचे भी एवरेज बोल सकते हैं, मुझे इसका क्लीनिंग एवरेज लगा, ना ही ज़्यादा अच्छा लगा ना ही ज़्यादा ख़राब लगा। और एक बात और, इस ट्रेन में अंधा दूध, गुटखा और तम्बाकू बेचा जा रहा है।
तो इस वक्त हम लोग खड़े हैं ऑरेंज सिटी ऑफ द इंडिया नागपुर, जिसका स्टेशन कोड है NGP और यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। रही बात स्टेशन की तो बता दूं, ये स्टेशन पड़ता है महाराष्ट्र स्टेट के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। स्टेशन सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीजन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। साथ ही स्टेशन को ओपन किया गया इन द ईयर 1867 में और इसको इलेक्ट्रीफाइड किया गया है 1989 में। तो नागपुर का फेमस क्या आप लोग जानते ही है ना, ऑरेंज रोल्स। तो आप यहाँ पे आते हैं तो ऑरेंज रोल्स और ऑरेंज सोन पापड़ी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, किसी सब्सक्राइबर ने हमको बताया था। जानते हैं गीतांजलि एक्सप्रेस मुंबई टू हावड़ा के बीच 5 स्टेटें कवर करती है, वो 5 स्टेट कौन सा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है तो। सो ठीक 7:36 पे नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से हमारी ट्रेन ने डिपार्ट ले चुकी है। स्टेशन आला ही था, बहुत आगे जाएगा यार ये सबका भोला। सो वेलकम टू द छत्तीसगढ़, हम आ चुके हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के राजनांदगांव स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है RJN और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। भाई यहाँ के स्टेशन के बारे में ज़्यादातर मुझे भी नहीं पता है। स्टेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के नागपुर डिवीजन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। हो सके तो आपको बिलासपुर जंक्शन कवर करके जरूर दीजिए। सूटी मार दिया गाड़ी ने, टाइमिंग हो गया ट्रेन का। सो गाइस चलिए चलते ट्रेन का दिखाते हैं आपको यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर। A few moments later. बैक टू द वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द छत्तीसगढ़ दुर्ग, जिसका स्टेशन कोड है DURG और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट। 5 मिनट का हॉल्ट होने के बावजूद स्टेशन की बात करें तो स्टेशन को ईस्टर्न रेलवे जोन के रायपुर डिवीजन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। तो रात काफ़ी हो चुकी है तो हो सके तो बिलासपुर जंक्शन पे मिलेंगे, नहीं तो मैं आप उस जंक्शन को स्किप कर दूँगा कि रात काफ़ी हो गया, ठंड बढ़ रही है। Next morning. गाइस 58 मिनट डिले के साथ हम लोग जहाँ पहुँचे हैं उड़ीसा, हम लोग खड़े हैं उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट राउरकेला जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है ROU और यहाँ पे इस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है। साथ ही मैं बता दूँ जो स्टेशन है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के चक्रधरपुर डिवीजन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे हमारी ट्रेन 48 मिनट डिले पहुँचाई है। राउरकेला जंक्शन जिसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1891 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया इन द ईयर 1861। Thank you.
ऐसे खराबी है, खराब वाला खराब वाला। तो हम आ चुके हैं झारखंड और अपने सेकंड लास्ट हॉल्ट धरपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CKP। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट है। बात करें इस स्टेशन की, तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1890 में, और साथ ही यहाँ से रोजाना 4 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। तो लगभग 1 ही घंटे की जर्नी और रह गई है टाटा नगर जंक्शन के लिए। तो गाइस मैं आपसे सीधा मिलता हूँ टाटा नगर जंक्शन अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे। गीतांजलि एक्सप्रेस अभी 1 घंटा डिले चल रही है। तो ट्रेन की डिपार्चर का टाइम हो गया, साइड चलते हैं ट्रेन के अंदर, दिखाते हैं आपको यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर। और फाइनल डेस्टिनेशन टाटा नगर, जिसका स्टेशन कोड है TATA, और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट। यहाँ पे 32 ट्रेन ओरिजिनल और 34 ट्रेन टर्मिनेट होती है डेली, और डेली यहाँ 92 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। तो इस ट्रेन को हमने यहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जर्नी है वो भी टाटा नगर से स्टार्ट होने वाली। तो तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। सुख मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, गुड बाय। तो आप बाहर आइएगा ना, तो यहाँ पे कोविड की टेस्टिंग की जा रही है।